जी नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर फाजिया है। एक बच्ची ने पूछा है कि मुझे एक से दो माह में, या आप बताइए कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे हाउ ऑफन आई शुड एग्जामिन माय ब्रेस्ट फॉर कैंसर या लार्म के लिए, कि मुझे कितनी बार, हाउ फ्रीक्वेंटली आई शुड एग्जामिन माई सेल्फ। आप महीने में एक दिन मुकर्रर कर लें जी जिसमें कि आप अपना ब्रेस्ट का चेक करेंगे। तो सबसे बेहतर टाइम होता है जो मेंस्ट्रुएशन के बाद, पीरियड्स के बाद, क्योंकि पीरियड से पहले आपकी ब्रेस्ट में चेंजेस होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं और वो लम्ब्स बन जाते हैं। तो सारे लम्ब्स जो होते हैं वो जी कैंसर नहीं होते, तो इसलिए आप चाहिए कि एक हफ्ते के बाद, महवारी के एक हफ्ते के बाद आप अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करें, उसको एग्जामिन करें। और सबसे बेहतर तरीका जो है वो आप शावर में जब जाते हैं और सोप लगाते हैं तो उससे हाथ भी स्लिप हो, आसानी से एग्जामिन कर सकते हो, तो उस वक्त अपनी छातियों का जी एग्जामिन करें। जी जी थैंक यू डॉक्टर फाजिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो जी बहुत अच्छा मैसेज है फॉर ऑल गर्ल्स कि डॉक्टर फाजिया ने कहा है कि जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आपका मंथली चलता है, जब आपके पीरियड्स खत्म हो और आप शावर लेते हैं, तो आप उस वक्त एक महीने में एक बार एग्जामिन कर लें। अगर आपको कोई गिल्टी महसूस होती है, कोई स्वेलिंग महसूस होती है, या कोई एरिया पेनफुल है, तो आप फौरन कंसल्ट करें, क्योंकि एज अर्ली एज पॉसिबल जो डायग्नोसिस होता है उसमें क्योर रेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, 5 ईयर सर्वाइवल का भी बहुत अच्छा इसमें आता है। थैंक यू डॉक्टर फाजिया।